हेलो टेंथ क्लास, आज हम सिविक्स के चैप्टर राजनीतिक दल पर चर्चा करेंगे। ये आपकी वर्कशीट 43 से रिलेटेड है जो 13 अक्टूबर के लिए है। ठीक है, आपने बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी जैसी बहुत सारी पार्टीज़ का नाम सुना होगा। ये कैसी कौन सी पार्टीज़ हैं, क्या कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज़। आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आपके पेरेंट्स या बड़े भाई बहन जो कि 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं, वो लोग वोट डालने जाते हैं और क्या कहते हैं कि भाई मैं इस पार्टी को वोट देकर आया, मैं उस पार्टी को वोट देकर आया। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, राजनीतिक दल। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में इन राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के माध्यम से ही जनता अपने देश पर शासन करती है। लोकतंत्र क्या है, जहाँ पर जनता खुद शासन करती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। और ये राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जिनको हम इलेक्शन में वोट डालते हैं, यही हमें उम्मीदवारों के रूप में ऑप्शंस देती हैं। ठीक है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, आखिर ये होते क्या हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, एक ऐसे लोगों का समूह है जिनके एक जैसे राजनीतिक विचार होते हैं। जो एक जैसे राजनीतिक विचार रखते हैं वो लोग आपस में मिलकर अपना एक समूह बना लेते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। जैसे बीजेपी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके एक जैसे पॉलिटिकल विचार हैं, जो कांग्रेस में शामिल हैं उनके अपने एक जैसे विचार हैं। तो जिन लोगों के एक जैसे राजनीतिक विचार होते हैं वो लोग आपस में मिलकर एक दल बना लेते हैं, और उसी को, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है इसलिए हम इसे कहते हैं राजनीतिक दल। ठीक है, तो एक ऐसा संगठित समूह, संगठित यानी जो कि इकट्ठा है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। अब ये क्या है, जो एक जैसे विचार रखते हैं वो लोग आपस में मिल जाते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। और आपस में मिलने का इनका मेन काम क्या होता है, चुनाव लड़ना और पॉलिटिकल पावर को, राजनीतिक सत्ता यानी पॉलिटिकल पावर को हासिल करना। और इस पॉलिटिकल पावर जिसके पास आती है वही हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। ठीक है, हर पार्टी का अपना कोई ना कोई एम होता है, तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन एम क्या होता है, चुनाव लड़ना और पावर को हासिल करना, पॉलिटिकल पावर को हासिल करना। जैसे जो धार्मिक समूह होते हैं उनका काम क्या होता है, अपने धर्म को प्रमोट करना, अपने धर्म के लिए काम करना। जो सामाजिक समूह है उनका काम क्या होता है, समाज में समानता को लेकर आना, समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो ये देखना। जो जातिगत समूह होते हैं उनका काम होता है अपनी जाति के हित के लिए काम करना। या ऐसे ही आपने सुना होगा महिला समूह, तो महिला समूह क्या काम करती है, महिलाओं के हित के लिए काम करती है। तो इस तरह अलग अलग समूह होते हैं जो आपस में एक जैसे विचार रखने वाले लोग आपस में मिल जाते हैं और अपना एक समूह बना लेते हैं, और उनके नाम से ही हम उनके उद्देश्यों को भी आराम से जान सकते हैं। धार्मिक समूह का काम धर्म को प्रमोट करना, जातिगत समूह अपनी जाति के भले के लिए काम करती है। तो ऐसे ही राजनीतिक दल भी होते हैं जिनका काम होता है एक चुनाव को हम लड़ें और फिर उसके माध्यम से पॉलिटिकल पावर को हासिल करें और देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लें। ठीक है, तो राजनीतिक दल क्या है, एक ऐसा समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से होते हैं, एक नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक। ठीक है, इसमें मेनली कौन कौन होते हैं, एक तो नेता लोग होते हैं जो मंत्री बन गए, दूसरे होते हैं इसके सक्रिय नेता जो एक्टिव लीडर्स हैं, जो पार्टी में जिनका मेन काम होता है जगह जगह जाके अपनी पार्टी को प्रमोट करना। दूसरे तीसरे होते हैं अनुयायी या उनके समर्थक, जिन्हें हम फॉलोअर्स कहते हैं। ये हमें हर गली नुक्कड़ पे किसी न किसी पार्टी के फॉलोअर्स दिखाई दे जाएंगे, जो पार्टी के लिए जनमत तैयार करने का काम करते हैं, यानी लोगों में अपनी पार्टी के प्रति एक विश्वास पैदा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसे एक पॉलिटिकल पार्टी के तीन हिस्से होते हैं, नेता जो लीडर्स बन गए यानी जो पावर में पहुँच गए, सक्रिय नेता यानी एक्टिव लीडर्स जो कि पार्टी के लिए मेन काम कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करना या डिसीजंस लेना कि पार्टी में जो है वो मेन उद्देश्य क्या होंगे, पार्टी किस चीज़ के लिए काम करेगी, चुनाव आने वाले हैं तो उसमें हमारी पार्टी का प्रोपेगेंडा क्या होगा,
ठीक है। तो ये सारे जो निर्णय, मेन निर्णय लेने का काम होता है वो एक्टिव लीडर्स इसके करते हैं, सक्रिय नेता यानी कि। और तीसरे होते हैं अनुयायी या समर्थक, जो जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी के लिए जनमत तैयार करते हैं, यानी जनमत तैयार करते हैं यानी जनता में अपनी पार्टी के प्रति विश्वास पैदा करते हैं। ठीक, फिर आता है जब कोई भी समूह बने तो उसका कोई ना कोई काम तो होगा ही, तो ऐसे ही राजनीतिक दलों के भी काम होते हैं। तो क्या है राजनीतिक दलों के कार्य? सबसे पहला है चुनाव लड़ना। जब हमने पढ़ा था कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि वो क्या काम करती है, किस चीज़ के लिए राजनीतिक दल बना है, वो चुनाव लड़ने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या है राजनीतिक दलों का? चुनाव लड़ना। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं ताकि लोग इन्हें वोट दें। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? इलेक्शन लड़ना यानी चुनाव लड़ना। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आने से पहले ही सक्रिय हो जाती है, जनता में अपने प्रति विश्वास पैदा करती है, प्रमोट करती है अपनी पार्टी को, और फिर इलेक्शन में जब ये खड़े होते हैं तो जनता इन्हें वोट अपने हित के अकॉर्डिंग वोट डालती है। तो सबसे पहला काम क्या है? चुनाव लड़ना, क्योंकि मेन एम ही है इनका सत्ता हासिल करना, और सत्ता बिना चुनाव लड़े हासिल नहीं हो सकती। दूसरा आता है आपका सरकार बनाना व चलाना। हमने इसका अगला क्या पढ़ा था कि इसका काम क्या है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, राजनीतिक सत्ता यानी पावर प्राप्त करना, और जिसके पास पावर होगी वही डिसीजंस लेगा। तो राजनीतिक दलों का अगला काम क्या है? सरकार बनाना। राजनीतिक दल का एम होता है इलेक्शंस में खड़े होना, और फिर अगर उसको बहुमत मिल जाए तो वो क्या बनाती है? सरकार बनाती है यानी गवर्नमेंट बनाती है, होती है ना विधायिका, संसद, जहाँ पे सारे कानून पास किए जाते हैं। प्रधानमंत्री या आपके चीफ मिनिस्टर्स, ये कौन हैं? सरकार ही तो हैं। और ये कैसे सरकार बनती है? जब इन्हें इलेक्शंस में बहुमत हासिल हो जाता है, बहुमत यानी अधिकतर जनता का मत हासिल हो जाता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा जनता इन्हें वोट डालती है। ठीक है, तो जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वही पार्टी सरकार बना लेती है। तो इस तरह राजनीतिक दलों का दूसरा मेन एम क्या है? सरकार बनाना और उसे चलाना, यानी महत्वपूर्ण निर्णय देश के लिए लेना, संसद के तौर पर, विधायिका के तौर पर, प्रधानमंत्री और महत्वपूर्ण मंत्रियों के तौर पर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करना। ठीक है, तीसरा काम है इनका विपक्ष की भूमिका। अब मैंने आपको बताया जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज उसमें चुनाव लड़ती हैं। एक पार्टी या पार्टी का समूह ग्रुप ऐसा होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट हासिल होते हैं, तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट हासिल होते हैं वो पार्टी सरकार बनाती है, और बाकी की जो पार्टीज़ हैं वो विपक्ष यानी अपोजिशन की भूमिका निभाती हैं। बच्चों, जितना महत्व एक लोकतंत्र में गवर्नमेंट का है यानी सरकारी बनाने वाली पार्टी का है, उतना ही महत्व विपक्षी पार्टी का भी होता है। जितनी इम्पॉर्टेंट हमारी बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी है उतनी ही महत्वपूर्ण हमारी विपक्षी पार्टी होती है, क्योंकि जो पार्टी सरकार बनाती है, जो दल सरकार बना रहा है, वो देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता हासिल होने के बाद या पोस्ट मिलने के बाद वो ऐसे निर्णय लेने लग जाए जो उसके हित में तो हैं मगर जनता के हित में नहीं है, यानी गलत निर्णय ले लिए। तो ऐसी स्थिति में उस पर रोक लगाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, है ना। तो ये काम कौन करती है? विपक्षी पार्टियाँ, यानी जो चुनाव तो नहीं जीत पाई लेकिन वो सरकार पर रोक लगाने का काम, सरकार को नियंत्रण में रखने का काम, उसे जनहित के काम करने के लिए बाध्य करती हैं, उसे जनहित के काम करने के लिए हमेशा तैयार रखती हैं, और हमेशा इस उसमें रहती हैं कि अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो जनता में उस बात को ले जाकर तुरंत सत्ता हासिल कर ले। तो जितना महत्व सरकारी पार्टी का होता है, पक्ष सत्ता पार्टी का होता है, उतना ही महत्व विपक्षी पार्टी का भी होता है। अगर सरकार कानून बनाती है तो विपक्षी पार्टी देखती है कि ये कानून जनहित में ही हो, जनता के अहित में ना हो, देश के हित में हो, देश के अहित में ना हो, साथ ही सरकार तानाशाह ना बन पाए यानी सिर्फ अपनी अपनी ना चलाए। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? महत्वपूर्ण काम विपक्षी पार्टियां। अगला काम है राजनीतिक दलों का कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।
मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्टी चुनावों में बहुमत हासिल करती है वो सरकार बनाती है। सरकार जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, यानी कि संसद में मंत्री जो बैठते हैं, MPs, MLAs के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, विधायक और सांसद के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, देश के लिए देखते हैं क्या चीज़ ज़रूरी है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको देश में लागू करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो पहले कानून बनता है, फिर वो लागू किए जाते हैं नियम के द्वारा। तो जो विपक्षी पार्टी है वो ये देखती है कि ये कानून गलत ना हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष में काम कर रही हो, चाहे वो विपक्षी रूप में काम कर रही हो, दोनों ही तरीके से कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर सरकार कानून बनाती है तो विपक्ष ये देखती है कि वो कानून सही हो, गलत ना हो। इस तरह राजनीतिक दलों का मुख्य काम क्या है, चुनाव जीतकर संसद और विधायिका में बैठकर देश के जनहित में कानून बनाना, जनता के हित के लिए कानून बनाना। अगला इनका काम होता है जनमत का निर्माण। राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण कार्य है जनमत का निर्माण करना। जनमत का निर्माण यानी जनता में अपने प्रति एक विश्वास पैदा करना, साथ ही किसी प्रस्ताव को लेकर ये मत हासिल करना कि जनता किस चीज़ के पक्ष में है और किस चीज़ के विपक्ष में है। ठीक है, तो इसके लिए ये कोई प्रस्ताव जनता के सामने रख देते हैं और फिर जनता से राय मांगी जाती है कि आप लोग इसके पक्ष में हो या नहीं। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल तो सरकार जब भी कोई काम करती है तो उससे पहले ही न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, फ़ोन कॉल्स के थ्रू या तरह तरह की वेबसाइट्स के थ्रू ये सर्वे मांगे जाते हैं जनता से कि भाई हम ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसके पक्ष में क्या निर्णय दे रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है ना। तो इस तरह से क्या करती हैं राजनीतिक पार्टियाँ, जनता के जो इसके अनुयायी, हमने अभी ऊपर क्या बात करी थी कि राजनीतिक दलों में एक महत्वपूर्ण इनका हिस्सा होता है अनुयायी या समर्थक। तो ये जो अनुयायी और समर्थक होते हैं यानी फॉलोअर्स होते हैं, वो जनता के बीच जाकर जनमत का निर्माण करते हैं, जनता में अपने प्रति विश्वास पैदा करते हैं और जो प्रस्ताव रखा गया है उसके बेनिफिट्स और जो उसके डिसएडवांटेजेस होती हैं वो जनता को खुलकर बताते हैं और फिर उसके प्रति जनमत तैयार किया जाता है। जैसे शिक्षा का अधिकार अगर हम लें, शिक्षा का पहले शिक्षा क्या थी, पेरेंट्स की मर्ज़ी पे डिपेंड करती थी कि भाई वो अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं या नहीं दिला रहे। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये विश्वास पैदा किया गया कि शिक्षा बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स का, अगर शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का अधिकार है तो पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। और हर व्यक्ति आज इस बात को माना। तो ये क्या पैदा किया गया, शिक्षा के प्रति एक जनमत तैयार किया गया और तभी वो बनकर आया हमारा कानून, शिक्षा का कानून। ठीक है, तो जनमत तैयार करती हैं कौन, पॉलिटिकल पार्टीज़। कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है तो उसके कानून बनाने से पहले जो सरकारी पार्टी है, सत्ता पार्टी है, वो जनता से उस सर्वे के थ्रू जनता का मत मांगती है, जनता के वोट मांगती है कि क्या आप इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं या विपक्ष में। जैसे अभी आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो इस नई शिक्षा नीति के एक एक पॉइंट पर जनता से राय मांगी गई। उस पॉइंट को फाइनलाइज करने से पहले हर शिक्षा नीति के हर पॉइंट पर जनता से कहा गया कि आप अपने विचार दो कि आप इस प्रस्ताव के बारे में, शिक्षा नीति के इस प्रस्ताव के बारे में आप क्या सोचते हैं और इसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक सर्वे हुआ था। और इसी तरीके से जब हमारा ये कोरोना का काल चल रहा है तो उस समय CBSE के पेपर हो, 10th और 12th के हों या ना हो, इस पर भी जनता से राय मांगी गई कि जनता क्या चाहती है। इसी ऐसी आप अगर देखोगे कि तो बीच बीच में ये डिमांड्स की सर्वे किया जाता है, ये मांगा जाता है मन कि क्या आप पेरेंट्स इस पक्ष में हैं कि अब स्कूल खोल दिए जाए या नहीं। और जब जिस भी अधिकतर पेरेंट्स की अगर डिमांड जो होती है कि ये कही जाती है कि नहीं, हम अभी नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को स्कूल, तो स्कूल नहीं खुल पा रहे। तो इस तरीके से हर प्रस्ताव को कानून के रूप में डालने से पहले जनता का मत, जनता की जो है राय ली जाती है और फिर जिसमें बहुमत जिस पक्ष के साथ हो, प्रस्ताव के साथ हो, तो उसे लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, राजनीतिक दल जो हैं वो जनमत बनाने का काम करते हैं, सत्ता पार्टी अपने प्रस्ताव के पक्ष में, और विपक्ष पार्टी अगर सरकार
कोई गलत काम कर रही है तो उसके विपक्ष में जनमत निर्माण का काम करती हैं। ये हो गए राजनीतिक दलों के काम। अब बात आती है कि आखिर राजनीतिक दलों की ज़रूरत ही क्या है, क्या ज़रूरत है राजनीतिक दल बनाने की। ऐसे तो जब जो ना वोट डालते हैं तो कोई भी उम्मीदवार ऐसे आ जाके मतलब खड़ा हो जाए कि भाई हम वोट डाल हम एज अ उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहते हैं, वोट डालेंगे, जो जीत जाएगा जिसे बहुमत मिल जाएगा वो बन जाएगा सरकार बना लेगा, जिससे नहीं मिलेंगे वो नहीं बनाएगा। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या ज़रूरत है, एक समूह बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहला आता है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। हमारे देश में अधिकतर देशों में अगर हम देखें तो आज क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता खुद शासन करती है। अब अरबों की संख्या में तो जनता खुद शासन नहीं कर सकती है ना, पूरी की पूरी अरबों की जनसंख्या को हम एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते और सबके मत नहीं ले सकते, क्योंकि सब पूरी जनता शिक्षित हो, हर मुद्दे पर उसे नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो लोकतांत्रिक देशों में जो प्रकार पाया जाता है वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का पाया जाता है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का मीनिंग होता है जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, यानी जनता शासन तो करती है लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है। जैसे आप देखते हैं एक क्लास है, उसमें एक मॉनिटर को चुना जाता है। पूरी की पूरी क्लास तो हर चीज़ पे निर्णय नहीं लेगी, या कोई मामला हो जाए तो पूरी की पूरी क्लास तो प्रिंसिपल के पास नहीं जाती ना, वो क्या करते हैं अपने मॉनिटर को ये काम सौंप देते हैं कि भाई तू हमारा मॉनिटर और तू आके हमारी आगे बात बढ़ा। तो इसी तरीके से जिस तरह क्लास का रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि एक मॉनिटर होता है, उसी तरीके से जनता भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, और वो किसके माध्यम से चुनती है, चुनावों के माध्यम से। और चुनावों में भी वोट डालने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए, और ये ऑप्शन उसे कौन देती है, राजनीतिक दल। तो जब चुनाव होते हैं तो जनता के सामने बहुत सारे राजनीतिक दल एज ऑप्शन होते हैं, BJP, कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, BSP। अब जनता उनमें से जिसे पसंद करेगी उसे वोट डाल देगी। तो इस तरीके से राजनीतिक दल प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ वो जनता को एक ऑप्शन प्रदान करते हैं, विकल्प प्रदान करते हैं। अगर विकल्प नहीं होंगे, ऑप्शन नहीं होगा, तो लोकतंत्र भी नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा आता है देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक। दूसरा, हमें राजनीतिक दल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक उत्तरदायी सरकार बनती है। जैसे मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था कि चुनाव में जिस पार्टी को ज़्यादा वोट हासिल होते हैं वो सरकार बना लेती है, और जिसे कम वोट हासिल होते हैं वो विपक्ष बन जाता है, वो विपक्षी पार्टी के तौर पर काम करता है। अब विपक्षी पार्टी क्या देखती है कि सरकार हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहे, उसके प्रति लॉयल बनी रहे, आंसरेबल बनी रहे, यानी वो हमेशा जनता के हित में काम करे। और अगर वो जनता के हित से भटकती है तो विपक्षी पार्टी उसके खिलाफ जनमत हासिल कर लेती है, ठीक है। तो राजनीतिक दल, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो चाहे वो सत्ता पार्टी हो, दोनों ही एक उत्तरदायी सरकार के लिए ज़रूरी है। सत्ता पक्ष को नियंत्रण में रखने के लिए विपक्षी राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है। अगला आता है हमारा सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सरकार जो है कहीं ऐसा ना हो सत्ता हासिल करने के बाद, पोस्ट हासिल करने के बाद वो तानाशाह बन जाए और अपनी मनमर्जी की नीतियां बनाए, ऐसी नीतियां बनाए जो जनता के हित में नहीं है। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए ज़रूरी है कि उसके समान ही वैल्यू वाली दूसरी भी जो है पार्टी होनी चाहिए। तो ये काम कौन करता है, विपक्षी पार्टी। तो सत्ता पक्ष पर की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए विपक्षी पार्टी का होना भी ज़रूरी है। अगला है कि सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने के लिए, वही बात है कि एक पार्टी होनी चाहिए जो सरकार को अपना सपोर्ट दे, और दूसरी पार्टी होनी चाहिए कि जो उसको अपनी लिमिट से बाहर ना जाने दे, यानी उसे तानाशाह ना बनने दे। तो उस पर अंकुश रखने के लिए, अंकुश यानी नियंत्रण कंट्रोल रखने के लिए विपक्षी पार्टियाँ होती हैं। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तो उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए भी राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। अब सरकार क्या है, सत्ता पक्ष तो वही अपना बैठा है संसद में, विधायिका में, वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियां होती हैं जिन्हें वोट हासिल नहीं हुआ, या
इन पार्टीज़ के जो फॉलोअर्स होते हैं सत्ता पार्टी के भी, वो क्या करते हैं, जनता के बीच जा जाकर जनता की देखते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है, जनता का हित किस में है, ठीक है, या जनता की क्या डिमांड है। तो उसके लिए भी राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है, क्योंकि राजनीतिक दलों के फॉलोअर्स ही और विपक्षी पार्टी के लोग ही सरकार तक जनता की बातों को पहुँचाते हैं, ठीक है। तो जनता के अलग अलग विचारों को सरकार तक लाने के लिए हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। क्लियर है कि हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। एक तो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सरकार को उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल बनाए रखने के लिए। तीसरा, उस पर कंट्रोल रखने के लिए। चौथा, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम करने के लिए भी हमें पार्टियों की ज़रूरत, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर, ये पॉइंट, टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो इसमें आप बता दोगे, हमारा ये आ जाएगा इसमें आंसर, जो हमने ये 5 पॉइंट्स पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये हैं आपके राजनीतिक दलों के कार्य, जिसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखोगे, सिर्फ पॉइंट्स लिख के नहीं छोड़ोगे। राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, हमने यहाँ पर ये देखा राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो आपके क्षेत्र में करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। अब आप इसमें अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं कि जो हम आपके एरिए के MLA हैं, MPs हैं, या विपक्षी पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, वो आपके एरिए के लिए क्या क्या काम करते हैं। जैसे वो क्या काम करते हैं, आपकी अगर कोई शिकायत है सरकार की किसी नीति के आप खिलाफ है, तो आपकी उस आवाज़ को वो बुलंद करने का काम करेंगे। इस समय जब कोरोना पैनडेमिक चल रहा है, तो उस समय आपने देखा होगा कि वीक जो फैमिली के लोग हैं, उनकी मदद करने में भी ये लोग आगे आते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ आप करवाना चाहते हैं, कोई आपकी शिकायत है, कोई आपकी समस्या है, तो आप कभी भी जाकर अपने MLA या MP से जाकर मिल सकते हैं। उनको अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो वो आपकी उस बात को सुनेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप इसमें अपने पेरेंट्स की मदद लें और इस क्वेश्चन को अच्छे से करें, ठीक है। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ।